Hey friends, welcome back to my channel, The Brown Girl Story. Today we are discussing about how to clean your face with cleanser product and DIY cleansing. So let's start. Okay, firstly, मैं आज आप लोगों को मैं जो फेस वॉश यूज करती हूँ मैं उसके बारे में आप लोगों को बोलूँगी, ठीक है? मेरा फेस पे ऑलरेडी कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं है, सिर्फ मैं आईलाइनर और एक लिपस्टिक लगाया है मेरा फेस पे. अभी मैं फेस वॉश यूज़ करती हूँ, मैं समर्स के स्पेशल वो फेस वॉश के बारे में आप लोगों को बोलूँगी. फर्स्टली मैं गुड वाइब्स का फेस वॉश यूज़ करती हूँ. इसमें ये मलबेरी एक्सट्रैक्ट है, ये बहुत अच्छा है. इधर पे लिखा है स्पेशली फॉर ड्राई स्किन, बट अगर आप ऑयली स्किन हो फिर भी आप यूज़ कर सकते हो. पर कैसे, ये जो फेस वॉश है ये एक जेल फॉर्म पे आता है और हम लोग सबको पता है ऑयली स्किन वालों का भी जेल फॉर्म में होना कुछ भी बहुत ही अच्छा है उसका फेस के लिए. ये जो फेस वॉश है इसके अंदर में ग्लिसरीन है, मलबेरी है, विटामिन ए है, मतलब कैरोट है, और उसके उसमें हम लोगों को पता है विटामिन ए है उसमें बहुत ज़्यादा. तो ये फेस वॉश बहुत ही अच्छा है. ये फेस वॉश से मैं जो इसमें है और एक चीज़ है जो है हनी. हनी बहुत ही अच्छा है स्किन के लिए. हम लोगों को सबको पता है वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, जो भी स्किन है, आपका हनी अगर आपकी स्किन पे है तो बहुत 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 अच्छा है आपके स्किन के लिए, ठीक है? और हनी मॉइस्चराइज भी करता है आपका स्किन का भी जो मतलब एक्सेसिव ऑयल है उसको निकालने के बाद आपका स्किन का हाइड्रेशन मेंटेन करता है, आपका स्किन को मॉइस्चराइज करता है, आपका स्किन में ब्राइटनेस लेकर आता है, ग्लोनेस लेकर आता है. सो हनी इज़ वेरी गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स. अभी उसके बाद इसमें लिखा है मैन्युफैक्चरर डेट, उसके बाद क्या लिखा है वो उसका मार्केट डेट किधर पे हुआ था, कस्टमर केयर का नंबर भी दिया है इधर पे, अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इधर पे आप फ़ोन कर सकते हो. उसके बाद उसका बैच नंबर लिखा है, मैन्युफैक्चरर डेट लिखा है इधर पे 9/2018 में ये मैन्युफैक्चर हुआ था, और ये एक्सपायर भी डेट लिखा है 8/2020 में ये इसका एक्सपायर हो जाएगा, मतलब टू ईयर्स का है ये, 2 ईयर्स का इसका मतलब लाइफ स्टैंड है. अभी इसका MRP लिखा है 175. मुझे ये बहुत ही सस्ते में मिल गया था डिस्काउंट पे purple.com पे. और उसके बाद लिखा है स्टोर इन कूल प्लेस, ड्राई प्लेस फॉर एक्सटर्नल यूज़ ओनली. उसके बाद इधर पे लिखा है मलबेरी क्या है. मलबेरी बिकॉज वेल मलबेरी फुल ऑफ एंटी ऑक्सीडेंट. मलबेरी में बहुत ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है. मलबेरी फाइट अगेंस्ट साइंस ऑफ एजिंग. मलबेरी अगर आपके एजिंग है, साइंस ऑफ एजिंग है, रिंकल्स है, फ्रेकल्स है, तो वो उसके साथ उसको कम करने में बहुत ईजीली हेल्प करता है. अगर आपके स्किन पे पोर्स है तो ये अच्छे से हेल्प करेगा क्योंकि आपके स्किन को टाइटन रखेगा ये. ब्लेमिशेस और डार्क स्पॉट, अगर आपका एक्नी स्पॉट है या किधर पे भी सन बर्न के लिए कुछ स्पॉट वगैरह हो गया है या कुछ भी डार्क स्पॉट है इधर पे चीक पे, तो वो उसको कम करने में हेल्प करता है. उसके बाद लिखा है हाउ टू यूज़, इधर पे हाउ टू यूज़ लिखा है, फिर लिखा है बी केयरफुल लिखा है, उसके बाद लास्ट पे कॉन्टैक्ट मतलब आई से कॉन्टैक्ट से दूर रखना है और क्या करना है. अगर इधर पे बहुत ज़्यादा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है इसीलिए शायद आपका स्किन पे वो इचिनेस लेके आ सकते हैं, इसीलिए पहले आपको पैच टेस्ट कराना होगा. पैच टेस्ट मतलब थोड़ा सा हाथ पे लेके ऐसे नेक का इस पोर्शन पे लगा के देखना है, अगर उधर पे कुछ इचिनेस रैश कुछ भी निकलता है तो ये प्रोडक्ट आपको यूज़ नहीं करना है, ठीक है? तो ये तो गया मेरा गुड वाइब्स का बहुत ही अच्छा सा समर स्पेशल फेस वॉश जो हर स्किन टाइप पे बहुत ही इजीली इफ़ेक्टिवली काम करेगा आई मस्ट से. उसके बाद आएगा DIY मेरा जो क्लिंजर है उसके बारे में मैं बात करूँगी. जो मेरा DIY क्लिंजर है वो ऐसा है दिखने में, बहुत ही फाइन है. ये कैसे हम लोग प्रिपेयर करके रख सकते हैं, इसमें मैं चारकोल पाउडर और इसमें मैं थोड़ा सा आटा मिला हुआ हूँ, ठीक है, मिलाया है. अभी आप लोगों के पास अगर चारकोल पाउडर नहीं है तो आप सिर्फ इसमें आटा मिला के और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला के यूज़ कर सकते हो.
और ये जो क्लींजर है ये आप सुबह में उठने के बाद यूज़ करो। हम लोगों को 3 टाइम पे अपना फेस वॉश करना चाहिए, एक तो सुबह में उठने के बाद क्योंकि रात भर हमारा स्किन ब्रीदिंग लेता है, उसके बाद एक्सेसिव ऑयल निकलता है, अगर ऑयल नहीं निकला तो हम लोगों का डेड स्किन भी उसके उस टाइम पे मतलब रह जाता है, तो वो रिमूव करना चाहिए। एक ना हल्का सा स्किन आता है और बहुत सी सॉफ्टली स्किन होगा आपका। उसके बाद ये आपका दूसरा जो क्लीनिंग प्रोसेस है वो आप मतलब आफ्टरनून में नहाने के टाइम पे कर सकते हो, और क्या कर सकते हो बाहर से घूम के आए तब कर सकते हो, ठीक है। और रात को सोने से पहले वेरी 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 मस्टली आपका स्किन क्लीन रहना चाहिए। तो अगर ये आप लोग फॉलो करोगे तो आपके स्किन पे कुछ भी मतलब पिंपल्स वगैरह नहीं आएगा, एक्सेसिव ऑयल नहीं रहेगा, एक्सेसिव ड्राइनेस नहीं रहेगा, आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा क्लीन रहेगा, ठीक है, एक ग्लो रहेगा। और ये मैं यूज़ करती हूँ मॉर्निंग में आफ्टर वेकअप, मैं ये यूज़ करती हूँ, बहुत ही इजीली है इसके यूज़ करना, बहुत अच्छा है। अगर आपके पास चारकोल पाउडर नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इजीली और बेसन मिला के यूज़ कर सकते हो। ये जो क्लींजर है ये पूरा अंदर में जाके अच्छे से मेरा डर्ट पॉल्यूशन एक्सेसिव ऑयल को निकालता है, मेरा पिंपल्स अगर हुआ है तो, और ये मैं अगर अप्लाई करती हूँ तो वो भी कम हो जाता है। तो आप ये यूज़ करो, ठीक है, और ये कैसा यूज़ करना है वो भी मैं आप लोगों को इसके बाद दिखाऊंगी। उसके पहले मैं थोड़ा सा गुड वाइब्स का मैं हाथ पे यूज़ करके दिखाती हूँ ये कैसा दिखता है, इसका मतलब फेस वॉश कैसा दिखता है और कैसा है और आप कैसे यूज़ कर सकते हो। ये ऐसा रानी कंसिस्टेंसी है इसका, बहुत ही अच्छा है, कोई भी कलर प्रेजेंट नहीं है, बस स्मेल प्रेजेंट है, बहुत ही अच्छा स्मेल है। आई थिंक ये मलबेरी का ही स्मेल है। ये मैं हाथ पे यूज़ कर रही हूँ, इसमें कोई पानी वगैरह नहीं लगता है, मैं थोड़ा सा ऐसे मसाज करूँगी हाथ पे। आफ्टर मसाज ये थोड़ा देर के बाद खुद ही एब्जॉर्ब हो जाता है, देख सकते हो ये कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है। और एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप फेस पे कुछ लगाया हुआ है। उसके बाद मैं इसको धो के आऊँगी, ठीक है, मैं धो के आप लोगों को दिखा रही हूँ कैसे लगेगा। ओके, आफ्टर मैं वॉश करके आ चुका हूँ मेरा हाथ को, इधर में कोई भी ड्राइनेस वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, आप फेस पे यूज़ करने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फेस वॉश। अभी मैं क्लींज़र का जो है DIY क्लींज़र उसका मैं आप लोगों को मैं अप्लाई करके मेरा फेस भी दिखा दूँगी, ठीक है, तो कीप इट वॉच। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और मेरा जो चैनल का आइकन है बेल बटन उसको प्रेस करना। ओके, मेरा फेस पूरा क्लीन है, अभी मैं मेरा DIY क्लींज़र पे थोड़ा सा पानी ले रही हूँ, अभी एक मोटा ब्रश से, ये ब्रश को देख के हंसना मत, इसको मैं पूरा फेस पे लगा दूँगी। अभी लगा के 5 मिनट्स तक मुझे वेट करना है, मैं पूरा फेस और नेक को भी लगाना है। ओके, मैं धो के आ गया, मेरे फेस को पूरा का पूरा आप लोग देख पा रहे हो, अभी मैं उसको वाइप आउट कर लेती हूँ। ये था आज का वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को फिर से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन दूंगी, सो प्लीज़ कीप इट वॉच इन माई चैनल।